के हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो यहाँ पर अमूमन हमने देखा है कि कैश स्पेस में FIIs ने प्रदर्शन ठीक नहीं दिखाया, लेकिन ये शुक्रवार एक अपवाद साबित हुआ है। ऑलमोस्ट 3650 करोड़ के पास की हमने खरीदारी, आई थिंक उस आंकड़े में कुछ गड़बड़ी है, ये माइनस का फिगर है, तो आई थिंक बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। DIIs की अगर बात करें तो इनकी तरफ से हमने लगातार देखा है कि खरीदारी ही बनती हुई नजर आई है। बिकवाली अगर FIIs की तरफ से रही भी है तो भी हमने देखा है कि यहाँ पर इनकी तरफ से खरीदारी बरकरार रही, और FNO स्पेस में भी हमने पिछले हफ्ते FIIs की तरफ से प्रदर्शन अच्छा ही देखा है। तो जिस प्रकार के संकेत हमें यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, उनके मद्देनजर हमारे मार्केट्स आज कैसे ओपन होंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है, इस सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संकेत तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन आज हमारी ओपनिंग कैसे हो सकती है? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए ओपनिंग तो खराब ही होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह के संकेत है अमेरिकी बाजार में वो बेहद तेज गिरावट के है, और उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब रहे अमेरिकी बाजार शुक्रवार के सेशन में। और आज भी डाउट फ्यूचर शान में है, कोई साइजेबल बड़ी रिकवरी वहां नजर नहीं आ रही, तो गिरावट से हम बच तो नहीं सकते हैं। और दूसरा एक उतार चढ़ाव भारी फेड की मीटिंग के बाद हमारे बाजार संभलते हुए नजर आए, और अमेरिका के बाजार संभलते हुए नजर आए, ये देखता होगा इंटरेस्टिंग। तो जो लेवल्स अब है ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर हम परसों पहुंचे थे, गुरुवार को जो 17,400 के करीब पहुंचकर वापस ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर 16,800 की तरफ पहुंचने की तैयारी निफ्टी की होती हुई दिख रही है आज के सेशन में। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि नीचे के लेवल पर आपको 16,875 सपोर्ट रेंज के तौर पर लेकर चलना चाहिए। बड़ी कमजोरी, फ्रेश कमजोरी तब होगी जब 16,800 के नीचे जाकर बाजार ट्रेड करना शुरू करे, टिकना शुरू करे। अदरवाइज 16,800 के आसपास 25-50 पॉइंट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि यहाँ से लगभग आप समझ लीजिए 300 पॉइंट नीचे, 250 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी दिखाई रहा है। अब आइए ऊपर की तरफ, 17,175 ये ऊपर की तरफ आपके लिए सप्लाई जोन है। इनफैक्ट गैप से खुलने के बाद 17,000 के ऊपर निकलना फिर वापस से चैलेंज होगा, तो लोअर एंड पर हम पहुंचेंगे ट्रेडिंग रेंज के, याद दिख रहा है। इम्पोर्टेंट यही है कि होल्ड कर पाते हैं या नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी, इमीडिएट जो सपोर्ट है 35,425 35,525 आई थिंक वहां पर हम खुलने चाहिए या वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। वो टूटा तो फिर थोड़ी कमजोरी 35,000 तक की आगे बन सकती है। ऊपरी स्तरों पर 36,175 36,400 ये सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी के लिए, और वहां पर आने पर आपको प्रॉफिट और बिकवाली दोनों आती हुई।